नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया आपके साथ और एक ब्रांड न्यू वीडियो देखे। आज हम अनबॉक्स करने वाले एक ब्लूटूथ हेडसेट को, जो कि आप अपने मोबाइल, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी हर एक के साथ कनेक्ट करके मूवीज, म्यूजिक, गेम्स वगैरह सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज हम अनबॉक्स करने वाले इस प्रोडक्ट को और देखने वाले हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स वगैरह सारा कुछ। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस प्रोडक्ट का साउंड क्वालिटी इसी हेडफोन के जरिए दोस्तों। तो आप भी जान पाएंगे इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल क्वालिटी है वो क्या है, साउंड क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी का मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए लाल सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नोसिटी चैनल को। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। पैकेट के ऊपर में हमें यहाँ पे फ्रंटिक का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे दिया हुआ है ब्लूटूथ हेडफोन और यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है HF3486। साइड में दोस्तों ब्लूटूथ हेडसेट, हैंड फ्री कन्वर्सेशन, लाइन सपोर्ट, आउटस्टैंडिंग एक्विस्टिक परफॉर्मेंस, ये सब सारा कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक्विस्टिक परफॉर्मेंस जो, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, दूसरा चीज बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। दोस्तों पीछे इसका दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन जो है दोस्तों, इसका वायरलेस रेंज है 10 मीटर तक का, मतलब कि आप अपने मोबाइल के साथ, टैब के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टेड करते हैं इस हेडफोन को, तो ये 10 मीटर के रेडियस तक काम करेगा दोस्तों। 10 मीटर बहुत अच्छा खासा रेंज होता है दोस्तों। टॉकिंग टाइम जो है वो 4 घंटे का दिया हुआ है, मतलब कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये हेडफोन अगर आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड करते और फोन पे बात करते तो 4 घंटे तक का बैकअप ये आपको प्रोवाइड करेगा। म्यूजिक टाइम जो है वो भी दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे का दिया हुआ है, पर स्टैंड बाय टाइम इसका 180 घंटे का है। सपोर्ट जो करता है दोस्तों, बहुत सारा फॉर्मेट जो है वो ये सपोर्ट करता है, और इसके साथ लाइव पॉलीमर का 200 mAh का बैटरी दोस्तों दिया हुआ है। तो कुल मिला के यही था पैकेट दोस्तों। अभी मैं आपको ये एक्विस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो दोस्तों, एक्विस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या होता है ये एक्विस्टिक परफॉर्मेंस। एक्चुअली दोस्तों, अगर हम आउटडोर पे शूट कर, जैसे मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे वीडियोस अगर मैं आउटडोर पे रिकॉर्ड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर अगर हम इंडोर पे रिकॉर्ड करते हैं और कोई खाली रूम होता है तो साउंड जो रिकॉर्ड होता है उसमें थोड़ा सा इको आ जाता है कभी कभी, या कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जाते हैं किसी भी म्यूजिक स्टूडियो में या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोस्तों जो रिकॉर्डिंग रूम होता है, रूम के चारों तरफ दोस्तों लगा हुआ होता है एक्विस्टिक फोम दीवार पे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप जब कुछ बात करते हैं, गाना गाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपके साउंड का जो एक्स्ट्रा नॉइज वगैरह सारा कुछ है वो दीवार पे लगा हुआ एक्विस्टिक फोम एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके साउंड को पूरा क्लियर बनाता है, मतलब कि बहुत ही क्लीन साउंड सुनने को मिलता है। जैसे मेरे स्टूडियो में भी थोड़ा सा एक्विस्टिक फोम लगा हुआ है, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ इसमें भी कोई इको वगैरह आपको सुनाई नहीं दे रहा, एकदम क्लियर साउंड आपको मिल रहा है दोस्तों। तो यही है एक्विस्टिक परफॉर्मेंस। कंपनी बता रहा है कि इस हेडफोन से अगर आप रिकॉर्ड करते और कुछ भी करते हैं तो इसमें भी आपको उसी स्टूडियो क्वालिटी का एक्विस्टिक परफॉर्मेंस मिलने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये तो रिकॉर्ड करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अभी चलिए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट के साथ कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है वो भी हम देख लेंगे, और उसके बाद साउंड टेस्ट। तो पैकेट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे हेडफोन जो है, मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें दिख जाता है, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर हमें और एक छोटा सा पैकेट भी मिल जाता है, देख लेते हैं इस पैकेट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों, पैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें एक कागज़ मिल जाता है जिसके अंदर इसको यूज़ करने का पूरा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। और दोस्तों, और एक मिल जाता है USB चार्जर, जिससे आप इस हेडफोन को चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है प्रोडक्ट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉन्टेक कंपनी का लोगो दिया हुआ है, बहुत ग्लॉसी फिनिश आ रहा है। प्लास्टिक का जो क्वालिटी है दोस्तों वो ठीक ठाक है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक दिया हुआ है। और इसका जो आप हेडफोन का जो पार्ट देख रहे हैं वो आप एडजस्टेबल है, आप कहीं से भी किसी भी एंगल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है आप देख सकते हैं। दोस्तों हेडसेट के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा कुशनिंग दिया हुआ है कि आप अगर सर के ऊपर यूज़ करते हैं तो जैसे नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह रहता है तो सर के ऊपर जैसे लगने का एक चांस रहता है, तो वो दोस्तों यहाँ पे कोई चांस नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट पैड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगा मुझे ये। दोस्तों यहाँ पे इस हेडफोन का दूसरा वाला पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉन्टेक का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे माइक्रोफोन का पार्ट है, यहाँ पे तीन बटन्स आपको देखने को मिल जाता है। मिडिल वाला जो गोल बटन है ये आपका पावर ऑन ऑफ के हिसाब से काम करता है और प्ले पॉज के हिसाब से भी ये काम करता है। यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोनों साइड का जो बटन है दोस्तों ये वॉल्यूम रॉकर के बटन के हिसाब से काम करता है। आप इस ये वाला जो बटन है ये वी प्लस दिया हुआ, मतलब कि इस बटन को प्रेस करके आप वॉल्यूम को प्लस कर सकते हैं, वॉल्यूम को ज़्यादा कर सकते हैं। और ये वाला जो ने इसमें V माइनस दिया, मतलब कि इस बटन को प्रेस करके दोस्तों आप वॉल्यूम को नीचे ला सकते हैं, वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। तो ये दोनों बटन और भी काम करता है दोस्तों। इस साइड का बटन जैसे कोई भी आप गाना बज रहा है, कोई भी बज रहा है, उससे पहले वाले गाने पे जाना चाहते हैं तो ये वाला बटन आपको प्रेस करना है। और ये वाला बटन प्रेस करके दोस्तों आप नेक्स्ट गाने पे जा सकते हैं। तो ये जो बटन है ये पूरे हेडफोन को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। और ये जो पार्ट है ये भी बहुत ही अच्छे से एडजस्टेबल होता है। तो और हेडफोन का अंदर वाला पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। अंदर वाला पार्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा पैड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट पैड दिया हुआ। आप अगर अपने कानों के ऊपर इसको लगा के बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं तो आपका जो कान है वो दर्द नहीं करता है। जैसे नॉर्मल कुछ हेडफोन्स लगाने के बाद दोस्तों कानों में दर्द होता है, ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किया जा सकता, पर इस हेडफोन में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये हेडफोन बहुत ही सॉफ्ट पैडेड है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगा मुझे ये हेडफोन का। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसका साउंड क्वालिटी पर दोस्तों एक चीज़ मिस हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपके हेड के हिसाब से ये हेडफोन एडजस्टेबल है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों साइड पे दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो अनबॉक्सिंग है वो आप देख चुके हैं, अभी टाइम है साउंड टेस्टिंग का। तो पहले मैं इस प्रोडक्ट को ऑन करके मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लूंगा और उसके बाद आप और हम सब मिलकर इसका साउंड क्वालिटी जो है दोस्तों वो सुनेंगे। मैं अपने माइक्रोफोन जो है उसको हाथों में पकड़ा हूँ क्योंकि इसी माइक्रोफोन के जरिए इस हेडफोन का जो साउंड क्वालिटी है वो मैं आपको डायरेक्ट इसी वीडियो में सुनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं। तो दोस्तों हेडफोन जो है वो ऑन हो गया और मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड भी हो गया है। तो मैं अपने माइक्रोफोन को दोस्तों इस स्पीकर के ऊपर पकड़ लेता हूँ और मेरे मोबाइल से दोस्तों गाना बजाता हूँ, गाना मतलब म्यूजिक बजाता हूँ, तो आप इसका जो साउंड क्वालिटी है वो सुन पाएंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं मेरा साउंड आ रहा होगा, माइक्रोफोन बहुत नज़दीक है स्पीकर के, तो अगर आ रहा होगा तो साउंड क्वालिटी कैसा है वो आप सुन रहे हैं, तो आपको ही जज करना है, आपको ही रिव्यू देना है इसका साउंड क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाना चेंज करते हैं। दूसरे साइड में भी मैंने अपने माइक्रोफोन को पकड़ लिया है, अभी दोस्तों इसमें भी मैं गाना स्टार्ट करने वाला हूं। का जो साउंड क्वालिटी है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों साइड का साउंड क्वालिटी मैंने आपको सुना दिया, तो साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी बात करते हैं प्राइसिंग को लेके। इस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो है 1200 रुपए, पर अगर आप ऑनलाइन से खरीदने जाते या किसी स्टोर से खरीदने जाते तो आपको यह प्रोडक्ट 1000 से 1100 के बीच में मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा के टेक्नोसिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले और एक धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ धमाकेदार वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।